मिल्ट आए ये था कुदरत का आविष्कार। वालेकुम टू ऑल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेरी बैड व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग यार। सो बस यार मैं थोड़ा जाता हूँ तकरीबन ना मुझे आधा घंटा हो गया व्लॉग शुरू करते हुए। पहले तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ ढूंढता रहा हूँ स्टैंड, फिर जो है स्टैंड नहीं मिला। सेल्फी स्टिक से वीडियो बना रहा था, उसमें कभी बैल गिर जाता है, कभी ऐसे 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 जलजला आने लग जाता है। तो पहले मैंने एक रेडी पढ़ के जो रेत की फेंक रहा हूँ, अब रेत फेंक रहा हूँ। 7 रेडी है रेत की फेंकनी है, 9 बजरी की, और घर में काम हो रहा है। कल वाली वीडियो जहाँ पे एंड की थी वहाँ से आगे शुरू कर ली हुई है। तो अभी जो है मैं रेत फेंक के फिर मिलता हूँ आपको। ये रेडी मैं भर लेता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ। जो रेडी पहले भरी है उसका करीब मैं लगाऊंगा, इस बार का नहीं लगाऊंगा। अभी मोबाइल घर में रखते हैं और रेत भरते हैं। ओका ये देखिए हमारी इतनी बड़ी जो है हमने बनाई हुई थी तगार। अब इसमें डाल रहे हैं पानी। ये हमारा बन चुका है स्विमिंग पूल। अब ये भरा जा रहा है पानी से। इसमें बहुत ज़्यादा रेत और बजरी डाली है। तो यहाँ से निकलेगा पानी, में यहाँ पर मिट्टी लगा देते हैं। हमने अभी इसे इतना भर दिया है इतना ज़्यादा, तो अब थोड़ी देर बाद इसे पड़ा रहने देंगे, फिर इसे यूज़ कर लेंगे। हमारा मिस्त्री जो है अभी थोड़ा काम गया हुआ है, वो आ जाता है फिर शुरू करते हैं। तो भैया टाइम हो रहा है तकरीबन 8:30 बजे का। मैंने आया धोया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, और ये हमारा कमरा कल कंप्लीट हो गया। ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका फ्रेश लग गया। जो यहाँ पे हमने स्विमिंग पूल बनाया था वो सारा हमने इसके अंदर ख़त्म किया, और उसके बाद और भी बनाया, इतना मसाला बनाया, फिर उसके अलावा इतना और भी बनाया था, तो वो सारा एक कमरे के अंदर लग गया। तो बाकी अभी मैं आया था, मैंने जाना था कॉलेज, लेकिन अब्बू गए हुए हैं मंडी, वो अभी तक नहीं आए। 8:30 हो चुके हैं, 9 बजे मेरा कॉलेज लग जाता है। अभी तक अब्बू नहीं आए हुए हैं, तो अब्बू को अभी देर है। जब तक अब्बू आते हैं वेट करता हूँ, अगर आ जाते हैं 10-15 मिनट के अंदर अंदर तो फिर मैं चला जाऊँगा, तो अगर नहीं आते तो फिर समझ रहे हैं मेरे क्या होने वाला मेरे साथ जॉब बड़ा है। और मेरा काका भी फिर रहा है, मैं आपको आज अपने काके से मिलाता हूँ। ये है मेरा काका लीम खान। काके इधर है, वीडियो उई किधर चला है। काके की कदा बने। ये है मेरा भांजा, ये है मेरी भांजी मरियम छेद एक ही हो रही है। ऐ सारा दिन अपनी बहन को मारता है। ऐ खोता रानी खां, ओए रानी खां, रहीम की हो रही है। सुबह ना पहले ऐसी खाद है खाना मिल आए वो इनके सिर च मारी सोए। ए काके वो की कर रहे हैं तू, एक पाली रखी थी पाली दे रही। हाँ ओहो हो आपको एक और बात बताऊं, मैं आए ना आया हूँ, वो जिस बर्तन में मैंने पानी गर्म किया ना वो था दूध वाला, वो धोया हुआ नहीं था, मुझे भी नहीं पता चला धोया हुआ है या नहीं। वो दूध वाला था और जो पानी है सारा दूध वाला हो गया था, और फिर मैं उसी दूध वाले पानी से नहा के आया। कैसा मेरे अंदर से अभी मुझे दूध की स्मेल आ रही है, लेकिन इग्नोर करो यार, मैं कौन सा अभी कॉलेज जा रहा हूँ, अगर गया तो देखी जाए कि जो होगा। अभी मिमी की पाली जो तू मिट्टी पाली मिमी वो छाक आख चा खोती ओए चीनी आटा तो बेच रीम आख चीनी ले लो रीम आख चीनी ले लो नहीं आ रहा। पहले कहता है चीनी ले लो आटा ले लो, ये भी कहता है। तो गाइस मेरी आज कॉलेज से हो चुकी है छुट्टी, और मैं आज आपको कुदरत का एक आविष्कार दिखाने वाला हूँ। एक ऐसा नमूना जिसको देखने के बाद आप बोलेंगे
क्यों, किस लिए, ऐसे नहीं हो सकता, तो वो मैं आपको आज अभी इसी बात दिखाता हूँ। वो एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं इंडियन रिपोर्टर्स की नकल कर रहा था। ये देखिए गाइस, ये देखें, ये इसके अंदर चने उगे हुए हैं। ये दो तीन दिन के अंदर इसके अंदर दो तीन चने गए हैं। इसके अंदर जो सीमेंट वाला रेत होती है वो भी ये जमी पड़ी है रेत अंदर, ये आप देख सकते हैं। उस रेत के अंदर था पानी, वो पानी लगा इन चनों को और ये चने उगे हुए हैं। ये दो बड़े पौधे, एक ये छोटा है और एक जड़ी वो अंदर निकली हुई है। आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन मुझे वो दे रही है। कैसा फिर, ये इसके अंदर ही उगे हुए हैं, तो ये ज़्यादा देर तो ये इसके अंदर नहीं होंगे ना, उगे इसकी जब जड़ें बाहर आएंगी उसे हवा लगेगी, जब खराब हो जाएंगे। तो ये था कुदरत का आविष्कार, एक ऐसा आविष्कार जिसका चर्चा पूरी दुनिया में किया जा सकता है। बकवास की बिजली आ गई, मिसाज में हो गया बिजली। तो चलो यार बाद में मिलते हैं। यार मैं एक बात आपको बताना भूल गया था कि ये जो उगे हैं ये सीमेंट में उगे हैं, क्योंकि ये चने जो होते हैं पहाड़ी इलाकों पथरीले इलाकों में उगते हैं, तो इसलिए ये सीमेंट के अंदर ही उगे हुए हैं। हमने आपकी मैथ, आपकी माइंड में इजाफा किया है, आपके दिमाग में इजाफा किया, आपकी सोच में इजाफा किया है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब कुछ कीजिएगा जो करना चाहिए, शेयर भी कीजिएगा। अभी मैं चाहता हूँ कि इसे मैं अपने पौधों के साथ लगा दूँ, इसे टोकरी, वो क्या कहते हैं, टोकरी से मैं है। तो भाई जान तकरीबन टाइम हो रहा है 2 बजे का 2:30 बजे का। मैं आया था कॉलेज से पढ़ के, खाना खुना खाया, फ्रेश हुआ, तो मैंने कहा यार थोड़ा बहुत बाहर जाके भी वीडियो बना लेता हूँ, सारा दिन घर बनाता रहता हूँ। तो भाई जान आज की वीडियो को मैं यहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो के अंदर इतना सब कुछ मैंने आपको दिया है, तो इसलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू